इस भारत पर है गर्व हमें, इसकी माटी पर है अभिमान, पाने को जहां प्रेम स्वयं, धरती पर आते हैं भगवान। सूर्य चंद्रमा तारे निस दिन करते जिसे प्रणाम, गंगा जैसा पावन है वो राधे कृष्ण का नाम। सात समय के हो जाती है हर एक बात पुरानी, कभी पुरानी हो न सकी पर इनकी अमर कहानी। इस धरती के कण कण में है अब तक जिनका नाम, गंगा जैसा पावन है वो राधे कृष्ण का नाम। राधे कृष्ण जय राधे कृष्ण का नाम। इसी रंग में रंग कर तर गई प्रेम दीवानी मीरा, इसी रंग में रंग कर तर गई प्रेम दीवानी मीरा, भव सागर से पाद उतर गए तुलसी सुर कबीरा, तुलसी सुर कबीरा। सीता राम कहो चाहे उनको बोलो राधे श्याम, गंगा जैसा पावन है वो राधे कृष्ण का नाम। विष्णु विष्णु विष्णु, विष्णु हमारा शत्रु है और शत्रु ही रहेगा। सेनापति, हमारे राज्य में सिर उठाने वाले विष्णु भक्तों का नाश कर दो। नहीं,
हो गए न वो खाती है न पीती है, गुंगी बनी हुई पाषाण प्रतिमा की तरह भगवान की ओर तकती लगाए हुए देख रही है। मुनिवर, आप ही की कृपा से हमें राधा मिली, दया करके उसे ठीक कर दीजिए। उसके मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए मैं व्याकुल हो रही हूँ। नारायण 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 पुत्री, जिनकी आराधना करते हुए तुम राधिका बनी, जिनके भक्तों का रक्त देखकर तुम्हारी आत्मा को ठेस पहुंची, यमुना का जल रो उठा, धरती कांप उठी, वही भक्तों के रखवाले सच्चिदानंद भगवान ब्रिज में अवतार ले चुके हैं। यही है कोटि कोटि ब्रह्मांड के स्वामी तुम्हारे आराध्य देव मेरे नारायण, त्रेता में राम बने, द्वापर में श्याम अनेक हैं जिनके नाम, बोलो 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 अपने मुख से कृष्ण कृष्ण। बोलो कृष्ण 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 कृष्ण, बोलो पुत्री कृष्ण 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 हमारी बेटी को फिर से वहां मिल गई। धन्य हो मुनिवर, धन्य हो। भगवान विष्णु की जय, 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 भगवान विष्णु की जय। तुम्हारा भगवान वो क्षीर सागर में सोने वाला विष्णु नहीं, मथुराधिपति कंसराज है। हमारा नाम लो, हमारी पूजा करो, हमारी जय जयकार करो। कभी नहीं, हम जीवन के अंतिम सांस तक अपने इष्ट देव भगवान विष्णु का ही नाम लेंगे, उन्हीं की पूजा करेंगे, उन्हीं की जय जयकार करेंगे। बोलो भगवान विष्णु की जय। चुप रहो, नहीं तो तुम सबको मृत्यु की गोद में सुला दिया जाएगा। चिंता नहीं, हम हंसते हंसते भगवान के लिए मिट जाएंगे। किंतु याद रखो आचार्य, जिस तरह हिरण्यकश्यप को भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर अपने नाखूनों से फाड़ डाला था, अत्याचारी रावण को भगवान राम ने अपने बाणों से मार डाला था, उसी तरह वो भक्तवत्सल भगवान फिर से अवतार लेकर तेरा विनाश करवा लेंगे। हमारा नाश, हमारा नाश कोई नहीं कर सकता, हम अजर हैं, अमर हैं। पापी संसार में कोई अजर अमर नहीं, देवी की आठवीं संतान से तेरा वध होकर ही रहेगा। बरसाना वृंदावन के सैकड़ों बच्चों का हमने वध कर डाला, फिर भी वो जीवित है। कहाँ है देवकी की आठवीं संतान? नारायण नारायण, दीपक तले अंधेरा। महाराज, देवकी की संतान दूर नहीं, मथुरा के पास गोकुल में नंद का पुत्र यशोदा का लाल। जीवन का तो बन जा
लगे रंग मुझे, मन कहे ये मेरा रंग ले कर तेरा भर नयन अपने, देखो तेरे सपने भर नयन अपने, देखो तेरे सपने में कौन रहता है, यशोदा का पूत या पूतना। ए, कौन है तू, बिना पूछे मटक के चले आ रही है। अरे 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 राधा, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरी मथुरा वाली मौसी हूँ। मौसी मेरी या कंस की? कंस? मेरा क्या आपसे लेना देना, मैंने तो उस मुँह का कभी मुँह तक नहीं देखा। तो ये मुँह लेकर यहाँ क्या लेने आई हो? अरे सावरे सरोने कृष्ण की सूरत देखने। नहीं देख सकती मेरे कृष्ण को। अरे 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 अरे, बिगड़ती क्यों हो छोरी, कितना सुंदर हाल है। मुझे नहीं चाहिए तेरा, चल निकल यहाँ से। मुझे निकालने वाली तेरे में कौन हूँ? कितना है कृष्णा को मरने आई थी। Thank you.
क्या है? मुझे बना रहा था। कितनी बार तुझे मना किया कि मिट्टी मत खाया कर। तू कहा मानता है? आज तुझे ठीक करके ही रहूंगी। इतनी लंबी रस्सी छोटी कैसे हो गई? अरे ये रस्सी भी छोटी हो गई। हाँ तो कितना भी मुस्करा पर मैं तुझ पर दया करने वाली नहीं। अब देखती हूँ कैसे छोटी पड़ती है। आप बंदा रहा सारा दिन तुझे कुछ नहीं मिलेगा। दही दूध मक्खन मिट्टी कुछ नहीं।
बांसुरी बंद क्यों करती? तुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, जी चाहता है सदा तेरी बांसुरी सुनती रहूं, तेरे चंद्रमुख को निहारती रहूं। जय राधे कृष्ण, 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 जय राधे। अरे मंसूका, तू पेड़ पे बैठ के बंदरों की तरह क्या कर रहा है? और जो लंका में बैठे अशोक वृक्ष के ऊपर हनुमान जी कर रहे थे, वही मैं कर रहा हूँ। उन्होंने सीता जी के दर्शन किए थे, मैं राधा जी के। ओ अरे दैया, केवल अंतर इतना है कि वहाँ राम जी दूर थे और यहाँ किशन जी पास है। गोपाल, ये मनसुखा बड़ा अनोखा है। अरे राधा जी, जहाँ आप अनोखी है, जहाँ किशन अनोखे है, तो क्या वहाँ मनसुखा जी अनोखे क्यों नहीं हो सकते? लेकिन मनसुखा, तू अकेला, तेरी टोली कहाँ है? टोली 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 वो रे। अरे तो, तो, अरे टोली इधर आ रे, अरे जल्दी आ रे, आओ 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 रे छोटू, आओ रे मोटू, आओ। और साथ में मटकियां भी आ रही हैं। मटकियां? हाँ भैया, दूध दही माखन की मटकियां लेकर गोपियां मटक मटक के आ रही हैं। लेकिन भैया, इनसे माखन लेना आसान काम नहीं है। मनसुखा, अब तू कोई उपाय सोच। सोचो रे सोचो, मैं भी सोचता हूँ। मैं बताऊँ? बता बता। देखो, औरतें भूत से डरती है। हाँ, भूत से? वाह राधा बहन, तुमने तो मैडल मार लिया। छुपो छुपो छुपो, चल कनिया, आजा 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 आजा। तैयारी कर, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? जल्दी से रख दो, नहीं तो कच्चा जमा जाएंगे। अब यहाँ से भाग जाओ और पलट कर देखा तो अंधी हो जाओगी। अरे आओ रे, भागे रे सब, आओ आओ आओ। अरे राधा, इधर आओ। चलेगी चलेगी। Oh,
राधा, इतनी खुशी में झूमती हुई कहाँ से आ रही हो? कहीं से भी, तुम्हें क्या? ये क्यों नहीं कहती कि मुरली वाले के पास से आ रही हो? बड़े समझदार हो। जानती हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ? जानती हूँ, बता दूँ, आकाश से। वो जगह आकाश से भी ऊंची है, महाराज कंस का दरबार, उसमें मुझे बहुत बड़ा स्थान मिला है। और वो स्थान है कंस की चरण सेवा। याद रखो राधा, तुम्हें एक दिन मेरी दासी बनकर मेरे चरणों की सेवा करनी होगी। हाँ, सपना देखना बुरा नहीं। मेरा सपना सच्चा होगा, मैं एक दिन तेरे रूप की जमुना में डूब कर रहूंगा। अच्छा, तो तू डूबेगा तो तू डूबेगा? हाँ, अभी डूबेगा, इसी वक्त डूबूंगा, रूप की जमुना में डूबेगा, जमुना में डूबूंगा। अरे मारो इसे, सेनापति चंडाल का को गोकुल में भेज दो और उसे कहो कि उस ग्वाले को काल के मुंह में पहुंचा दे। चंडाल का जय काली महाकाली, तेरा वचन न जाए खाली। इधर आ बालिका। ले ये भभूत, पति को खिला देना, फिर वो तेरे पीछे पीछे घूमने लगेगा। सबने मुझे पहचाना? कौन? मन सुखा, मन को सुख पहुंचाने वाला, जिसका साथी मुरली वाला। मुरली वाला कहाँ है? मुरली वाला कहाँ है? मुरली वाला वो देखो, वो रहा मुरली वाला, वो देखो, वो देखो कितना सुंदर, कितना काला। मुझे तो नजर नहीं आता। अरे कैसे दिखाई देगा मोटी उम्मो, तेरे हाथ में है माला, तेरा मन है काला। क्या? साधारण नहीं, बहुत गहरी है। काल की आंधी में कृष्ण का प्राण दीपक कांप रहा है। नहीं नहीं देवर्षि, नहीं गोपाल, मेरे गोपाल। दया कीजिए मुनिवर, कृष्ण को बचा लीजिए। कृष्ण बचेगा, किंतु जब कोई रेशम की डोरी पर चलकर यमुना के बीच धारा से हजार छेद वाले कलश में जल भरकर लाए और वो जल कृष्ण पर छिड़का। मेरे श्याम,
इतना कठिन कार्य कौन करेगा? ब्रज का कल्याण करने वाली देवी चंडाल का कौन? मैं? हाँ, तुम्हें और तुम्हारी शक्ति को केवल मैं ही जानता हूँ, नारायण नारायण। रेशम की डोरी देवी, ये रहा कलश और वो रही रेशम की डोरी। शुभस्य शीघ्रम, जल्दी करो देवी, कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। श्वेतमय कालिका, जल्दी करो चंडालिका, लो ना लो। हाँ 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 हाँ, जाओ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हाँ हाँ हाँ, देवी नहीं, कृष्ण को मारने के लिए भेजी हुई कंस की राक्षसी चंडालिका। आप डूब गया और पुन तैर रहा। नारायण नारायण। देवर्षि, अब कौन कलश में जल भर के मेरी कृष्ण की मूर्छा दूर करेगा? कृष्ण की राधा। नहीं मुनिवर। चिंता ना करो, राधा तो राधा है, उठो। धर्म की डोरी पर चलकर कलश में सत्य का जल भर लाओ, तुम्हारा पावन प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। भक्ति की शक्ति लिए राधा जमुना की ओर चली, प्रेम भक्ति की शक्ति लिए राधा जमुना की ओर चली, विश्वास लिए चलती ही रही, डोरी पर वो वृष भानु ले ली, डोरी पर वो वृष भानु ले ली। कर जैसे राधा ने गिरधारी के ऊपर डाला, सुनिए बोलो गिरधर को मार की धन्य हो राधा, हमारा प्रेम प्रेम धन्य हुए ब्रजवासी, धन्य हुआ ब्रजधाम, गंगा जैसा पावन है वो राधे कृष्ण का नाम, राधे कृष्ण का नाम। कहा चंडालिका भी मारी गई? क्या हमारे दरबार में ऐसा कोई वीर दानव नहीं जो कृष्ण को मिटा सके? तिरणावत, चिंता न कीजिए महाराज, आपका यह सेवक कृष्णा का वध करके ही रहेगा, आज्ञा दीजिए।
अरे खेलो खेलो, लेकिन कहाँ है माखन चोर? जल्दी से पट्टी वाले क्या है की रक्षा करना। चंडाल का और अब हमारे शक्तिशाली वीर प्रणवक को भी कृष्ण ने मार डाला। महाराज, मैं अभी जाकर उस मोर मुकुट वाले को बंदी बनाकर आपके सामने उपस्थित करता हूं। जाओ। महाराज की जय हो। आओ सेनापति, पकड़ना है उस कपटी वाले को। हाँ महाराज। कहाँ है?
लाओ हमारे सामने सैनिको। क्यों भाई, कहाँ के महाराजा हो, कहीं के हो, तुम्हें क्या है? मुकुट तेरा है। मुकुट तेरा है? हाँ, जाओ महाराज बुला रहे। महाराज बुला रहे? हाँ। जरा उठो तो। क्या? जरा उठो तो। अरे क्या करो? जब तक तुम्हारे धोती कैसे चिपका रहे, मेरी धोती तो बार बार खुली जाती है। तो हट। ये क्या मजाक बना रखा लग रही? मुझे तेरी है, मुझे तेरी है। सेनापति, कौन है ये लंगड़ा? इस मूरत से क्या पूछते हो? हमसे पूछो, हम है कृष्ण के प्रतिनिधि, राजदूत, मित्र और उसके साथी। यहाँ क्यों आए हो? इसने हमसे प्रार्थना की, हमारे पांव पकड़े, रोया, गिड़गिड़ाया, तो हमने सोचा चलो चलकर देखें अपने आप को महाबली समझने वाला कंस कैसा है। क्यों रे, कैसी कही? सेनापति चले जाओ हमारे सामने से। सेनापति चले जाओ हमारे सामने से। बंद करो ये बकवास, जानते नहीं ये हमारा दरबार है? अच्छा, तो ये आपका दरबार है? हम तो इसे घुड़साल समझे थे। अंधे हो क्या? अंधा तो वो है जो धर्म और सत्य को नहीं जानता। दुष्टों, दुष्ट वो है जिसने अपने पिता, अपनी बहन और साधु संतों को बंदी गृह में डाल रखा है। चुप रहो। कंस, तेरी गिदड़ धमकी से सच्चाई पर चलने वालों का मुंह बंद नहीं हो सकता। अगर अपनी भलाई चाहता है तो तू भी श्री कृष्ण के शरण में आ जा, नहीं तो तू भी पूतना और बकासुर की तरह मारा जाएगा। डालो, मार डालो इन सबको। अरे मुनि वाले की जय। तुम्हारे पास सुना था। जाओ, तुम बड़े मायावी हो। राधा, मेरी माया तो तुम हो राधा, तुम ही मेरी प्रेरणा हो, शक्ति हो। मधुबन में, ब्रिज के कंकण में मैं तुम्हें ही देखता हूँ, हर दिशा से तुम्हारे ही नाम की पुकार आ रही है। राधा, राधा। तुम्हारा नाम सुनते ही सावन के मेघ भी आ गए। वो भी शाम है और तू भी शाम है। सामने तो आके देखो, पाप, घोर पाप। अब सब तो सुना ही था, आज आंखों से भी देख लिया। कन्हैया की बाहों में राधा क्या प्रेम की नींद सो रही है। ए, ए, इधर इधर क्या है रे? क्या है रे? अरे तेरे को पेट में दर्द का गोला घूम रहा है रे, क्या तुझे भी झूले में बैठ के झूलना है रे? अरे क्यों रे, ऐसा बोलते हुए तुझे लाज नहीं आती? अरे लाज तो तुम लोगों को आनी चाहिए। कहाँ किशन, कहाँ राधा? तू चुप रहे, तुझे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तूने ही सबको बिगाड़ा है। जितने
जितना तू ऊपर है उतना ही नीचे है। चाची तुम उससे भी नीची हो क्योंकि तुम्हारा मन काला है। क्या कहा? हमारा मन काला है? हम और की काली रात की तरह। मन शांत हो गया? हो गया बंसुका महाराज का स्नान। गोपियों अब तुम जाके मट्टी में जल्दी आओ। अरे वाह प्रभु तेरी माया, क्या निर्मल शीतल जल से स्नान करवाया। जय राधे कृष्ण। माया भी प्रकट हो। जाओ माया भी जमुना की लहरों में कृष्ण की जल समाधि बना दो। जो आज्ञा महाराज। अरे देखो बसाने वालियों, कृष्ण के साथ राधा नाव में क्या सैर कर रही है। अरे कभी झूले में तो कभी नाव में कभी कदम की छाव में। अरे ये पाप नाटक यूं ही चलता रहा तो एक दिन सारा ब्रज यमुना में डूब जाएगा। अरे डूबेगा कैसे? इनके प्यार की चिंगारी को मैंने ज्वालामुखी ना बना दिया तो मेरा नाम ज्वाला नहीं फिर देखना राधा इधर और कृष्ण उधर और मटके इधर। तेरा सत्यानाश चाहे तू खा खा के मुस्तंगा बन गया है। तूने सारे गांव को तूने सता रखा है। क्या जी और गालियां दो किशन को। अगर मैंने भी सारे मटके इधर से उधर नहीं कर दिए तो मेरा भी नाम बन चुका नहीं। अभी बन रहे बन चुके सारी आफत की जड़ तू है। जैसी तेरी इच्छा चाची। जय जमुना जी। भगवान ये राक्षस मगर नाव की तरफ आ रहा है। रक्षा कीजिए प्रभु। बेटी तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? प्रभु की शक्ति तुमसे छुपी रही। एक दिन उसी यमुना में भगवान ने कालिया का मर्दन किया था। आज और आज मगर मर्दन भी होगा। मगर मर्दन धन्य हो भगवान धन्य हो। देखा विश्वमानो जी शाम होने को आ गई पर राधा अभी तक नहीं आई। लो आ गई कृष्ण की दीवानी। राधा कहां से आ रही हो? सब सच बताओ कहां से आ रही हो? कृष्ण के पास से। अब तो विश्वास हो गया हमारी बात पर। जब देखो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ कृष्ण मेरे सर्वस्व है। जिनके मुख पर पवित्रता का तेज है, जिनका हृदय छल कपट से दूर है, जिनकी मुरली सुनकर जड़ चैतन्य सब झूम उठते हैं, वो कृष्ण साधारण नहीं महान है। दया क्षमा प्रेम के पुजारी हैं। वो प्रेम का नहीं वासना का पुजारी है। वासना? छोटे से बालक प्रति ऐसी तुच्छ भावना रखने वाले स्वयं वासना के पुजारी हैं।
देखिए ब्रिजे बालो जी, आपकी लड़की हमारा अपमान कर रही है। कृष्ण का अपमान करने वालों का मैं कभी सम्मान नहीं कर सकती। चुप रह, तूने समाज का नहीं मेरा अपमान किया है, मेरा सर नीचा कर दिया है, पूर्वजों के सारे गौरव को मिट्टी में मिला दिया है। राधा राधा, तूने ये पाप किया। बस कीजिए पिताजी, बस कीजिए, मैंने कोई पाप नहीं किया। जिस दिन आपकी राधा पतित होगी उस दिन आप उसे कभी जिंदा नहीं पाएंगे, कभी जिंदा नहीं पाएंगे। बिरजभानो जी, पंच परमेश्वर होते हैं इसलिए हम आज्ञा देते हैं कि आज के बाद राधा कभी कृष्ण से नहीं मिलेगी, और शीघ्र ही कोई लड़का देखकर उसके हाथ ढीले कर दीजिए। आओ भाइयों चलो। कन्हैया मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, कन्हैया मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमस्कार करो बेटे, लो प्रसाद। लो बेटे। राधा तू कहाँ जा रही है? श्याम के पास, आज श्याम का जन्मदिन है ना। कृष्ण का जन्मदिन हुआ तो क्या हुआ, समाज की आज्ञा हम नहीं तोड़ सकते, तू कहीं नहीं जा सकती। ऐसा ना कहो माँ, मैंने शाम को वचन दिया है, अगर मैं ना गई तो वो कुछ नहीं खाएंगे, भूखे रह जाएंगे। कुछ भी हो तो वहां नहीं जा सकती माँ। ले खा ले बेटा, हट नहीं करते। नहीं माँ, जब तक राधा मुझे अपने हाथ से नहीं खिलाएगी मैं नहीं खाऊंगा। बेटी तुझे अपनी हट छोड़नी ही पड़ेगी, हम विवश समाज में रहकर कभी कभी हमें अमृत की जगह विष भी पीना पड़ता है। पिताजी। बेटी बेटी बेटा, देख तो बाहर कितनी भयानक आंधी चल रही है, बिजली चमक रही है, ऐसे में राधा कैसे आएगी? गोपाल गोपाल मैं क्या करूं गोपाल? खिला रही थी राधे के राधे थे नंद किशोर, खिला रही थी राधे के राधे थे नंद किशोर। माया ब्रह्म का खेल वे नहीं समझ सका कोई यार। माया ब्रह्म, ये तो किसके हाथ से खा रहा था? राधा के हाथ से। आहा कितना मधुर मुस्कान। राधा के? कहाँ है राधा, वो तो चली भी गई। चली गई? तेरे निराले खेल को ही जाने। पावन हो राधे कृष्ण का नाम, राधे कृष्ण का नाम। जन्मदिन भी कोई भी नहीं है। अरे कन्हैया आते कैसे, तेरा जन्मदिन भी तो एक जंजाल है, जब भी आता है आंधी प्रलय वर्षा सब लेके आता है। खैर जाने दो, जब जागो तब सवेरा। कन्हैया तेरा जन्मदिन हम अभी मना लेते हैं, उठो उठो। आओ कन्हैया, आओ कन्हैया, ठहर जा कन्हैया। कन्हैया अब तू ऐसे खड़े हो जा और अपने अधरों पर ऐसे मुरली लगा। ऐसा क्यों मनसुखा? जो मैं कहता हूँ करना बाबा। अच्छा बाबा करता हूँ ना। अरे कन्हैया तेरी ये छवि तो संसार के मन को भाती है रे, मनसुखा के मन को भाती है रे। कन्हैया 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 ये माला मैंने अपने हाथों से बनाई है,
ये फूलों की माला नहीं है कन्हैया, ये प्रेम की माला है कन्हैया। कितना सुंदर लगता है रे। अरे हाँ हाँ, जल्दी जल्दी आओ रे, जल्दी जल्दी। अरे हाँ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी क्या? ओ मोटू मोटू। अरे ये क्या कर रहा है? अरे मोटू, तू अपनी धोती को तो ठीक कर। बोलो गिरधर गोपाल की, बोलो मनसुखा की। हाथ तेरी की। बड़ा बड़ा बड़ा। अच्छा मनसुखा, मेरा जन्मदिन तो मना है, पर खाने के लिए क्या है? खाने को कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसमें जरूर कुछ है। बाजरे की रोटी और गुड़। कन्हैया, मुझ गरीब के पास इसके सिवा और क्या हो सकता है? तुमने अपने आप को फिर गरीब कहा। मक्खन मिश्री से भी अच्छा। ये ले। खाओ रे, सब खाओ खाओ। ये क्या किया काना? तो मनसुखा है ना, सबके मन को सुख देने वाला। अरे मन को सुख तो तेरी मुरली देती है। ले आज बजा दे इस बात में मुरली। नहीं, आज मुझसे मुरली नहीं बजेगी। क्यों कन्हैया? ऐसे ही। समझा। देखा तुम लोगों ने, देखा तुम लोगों ने, इससे जितना प्रेम करो ये उतना ही घर पे चलता है। ये समझता है कि ये मुरली बजा सकता है और दूसरा कोई नहीं। अरे मैं तो अब तक छुप के बैठा था, अब मैं अपना चमत्कार दिखा के रहूंगा। अरे जब मैं मुरली बजाऊंगा ना, तो जंगल से हिरण्या दौड़ी दौड़ी आएगी ना मुरली, और देखो मेरा चमत्कार। ऐसे मैं तो ऐसे बजाऊंगी। आ रही है हिरण्या। मनसुखा भैया, हिरण्या तो नहीं आ गई, मगर तुम्हारा भाई जरूर आ गया। नमस्ते गजराज। अरे तुझ मेरा अपमान करते हैं। काना, मैंने तो कान पकड़े, ये काम भैया तेरा है, सुना देना मुरली। जब तक सुरों की गंगा नहीं बहेगी, मेरी मुरली नहीं बजेगी। गला फाड़ फाड़ के चिल्लाओगे तो भगवान अवश्य आ जाएंगे, वो तो भक्तों के बस में है। किंतु हम उसके भक्त नहीं, शत्रु हैं। तभी तो आप इस तरह चक्कर काट रहे हैं कंस महाराज। नारायण नारायण। कहाँ जा रहे हो मुनिराज? मैं राधा के पास। राधा? कौन राधा? राधा प्रेम आगाधा, जिसने कृष्ण को अपने प्रेम बंधन में बांधा। महाराज राधा को अपने वश में कर लो। राधा को? हाँ, राधा, सोचो कम और काम करो ज्यादा। सेनापति, क्या झगड़ा करते हो? अरे क्यों झगड़ा करते हो? अरे 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 मोटू,
मुझे अपनी लंगोटी तो ठीक करनी आती नहीं और पेड़ पे चल रहा है। मनसुखा भैया बोलो कन्हैया क्यों नहीं आया? मैं क्या जानू भैया, तुम यहाँ ठहरो भैया, मैं लेके आता हूँ कन्हैया। कन्हैया ओ कन्हैया कहाँ चला गया कन्हैया? अरे ओ कन्हैया अरे तुम महाराजा कंस का सेनापति हो और मैं कृष्ण का सखा मनसुखा हूँ, तलवार उठाइए। मनसुखा जी आप क्षमा कीजिएगा। कर दिया क्षमा कर दिया, बोलो क्या काम है? हमें राधा से मिलाइए ना। राधा से मिलाऊं क्यों? ये तो हम उन्हें ही बताएंगे। अच्छा तो ये आप उन्हें ही बताएंगे? हाँ ठीक है मिलवा देते, आओ हमारे साथ आओ 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 आओ। चलो बताइए उधर देखिए उधर देखिए वो जा रही राधा जो गौओं के पीछे लकड़ी लेके, प्रेम दीवानी। यही प्रेम दीवानी? हाँ। यही राधा है? हाँ। इसे प्रेम दीवानी कहो तो बहुत प्रसन्न हो जाती है। हाँ। और हाथ थाम लो ना तो फूलों की वर्षा करती है। जल्दी जाइए ये तो चले जाएगी। अरे सैनिकों भागो भागो, अपने सेनापति की रक्षा करो, भागो भागो। प्रेम दीवानी? अरे ओ प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी नहीं तेरी नानी बदमाश। अरे क्या करे, अरे बचाओ, अरे मां मोती मई क्या लकड़ी मई, अरे खुद कर इनकी पिटाई। अरे सुनो मैं सुबह लगड़े को ओ, ओ, अरे जाओ अरे पकड़ो अरे भालू जी के पास को अरे पकड़ो। तुम क्या देखते हो कम? अरे मेरे पिता की चो, अरे मूर्खो अरे मूर्खो सब पकड़ो मेरे पिता की। राधा भाग जाओ राधा भाग जाओ। अरे कंस के सैनिक तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे, भाग जाओ राधा। अरे राधा भाग जाओ राधा। अच्छा तुम्हें भाग दो। राधा देवी प्रणाम, आपके दर्शन करके धन्य हो गए। दानवों ने इतनी सभ्य भाषा कब से सीखी? कहो क्या काम है? महाराजा कंस कृष्ण के साथ मित्रता करना चाहते हैं। अच्छा। इसीलिए महाराज ने संगीत का बड़ा भारी आयोजन किया है, आप कृष्ण को हमारे साथ मथुरा भेज दीजिए। और अगर ना चाहे तो? तो परिणाम भयानक होगा, गोकुल फिर आग की लपटों में जल उठेगा। कृष्ण तुम्हारे साथ जरूर जाएंगे, शाम होने पर तुम यही मिलना। किंतु हम पहचाने हैं कैसे? एक बार धोखा खा चुके हैं। इस बार धोखा नहीं खाओगे, कृष्ण बिल्कुल मेरे जैसे हैं। यही आंखें, यही नाक, अंतर केवल इतना है कि उनके सिर पर मोर मुकुट और हाथ में बांसुरी होगी। हम शाम तक यहाँ राह देखेंगे। सेनापति जी कृष्ण जी आ गए। बिल्कुल राधा जैसे, वही आंख वही नाक, पधारी है। महाराज की जय हो, राधा की कृपा से कृष्ण जी आ गए। तुम आ ही गए। कृष्णा और कंस एक राशि, फिर भला मैं कैसे ना आता? समझ में नहीं आता कि हम तुम्हारा स्वागत कैसे करें। जैसे एक राजा दूसरे राजा का करता है। राजा? तुम
तुम अपने आप को राजा समझते हो? ये रूप, ये कोमल शरीर, लड़कियों जैसी आवाज, विश्वास नहीं आता कि तुम वही कृष्ण हो जिसने पुतला और तिनावत का वध किया। यही ना, बात करने में बहुत चतुर हो। शत्रु से मित्रता करने के लिए चतुराई करनी ही पड़ती है। तो दिखाओ अपनी चतुराई। आज या तो तुम्हारी मुरली का रंग जमेगा या हमारी राजनर्तकी का नृत्य। मंदाकिनी, अरे
कृष्ण कहाँ चला गया? कृष्ण कंस दरबार में? नहीं 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 नहीं, आपने कोई सपना देखा होगा। नहीं मुनिराज, मैं सच कह रहा हूँ, अभी अभी वो यहाँ मुरली बजा रहा था, इतनी देर में कहाँ आलोप हो गया। अजी वो तो आलोप भी होते हैं, प्रकट भी होते हैं, बड़े लीलाधारी हैं, और उनकी लीला को भला कौन पा सकता है। नारायण 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 लीला। राधा राधा राधा, जब वो यहाँ नहीं फिर मुझे यहाँ बुलवाया क्यों? आपने यहाँ बुलवाकर मेरा अपमान किया है। चले थे राधा के साथ मेरी सगाई करने। बेटा ऐसा न कहो, राधा अभी आती ही होगी। वो क्या आएगी, वो कन्हैया के साथ कहीं रात नचा रही होगी। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। नहीं नहीं, नहीं। राधा क्यों है? नहीं जी, रूट कर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, कहीं नहीं तो। ये मैं तो क्या कर रहे हो? उस दिन तो कह रहे थे कि मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा, और आज सभी पुरुष ऐसे ही होते हैं। राधा मैं वैसा पुरुष नहीं हूँ, मैं वीर पुरुष हूँ, वीर पुरुष। क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये दिल डोल, ये लंबी लंबी मूछे, और ये क्या हुआ, क्या हुआ? बेटी राधा तू आ गई। बेटा ने वो ढोल की आवाज कैसे? पिताजी ढोल में पोल है, अनय जी गोल गोल है। क्यों अनय जी? गोल गोल जी, बिल्कुल गोल। वृषभान जी राधा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं उसके मन नहीं करने की तैयार हूँ। हाँ बिल्कुल, आओ 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 बेटा मेरे साथ आओ। माँ मेरी बच्ची, माँ मैं जरा काकी मामी और भाभी से मिल लूँ। हाँ हाँ बेटी जरूर मिलो। बेटी राधा क्या थी? अरे प्रणाम करती हूँ मौसी। जीती रहो बेटी। हरे राम पैर तोड़ दिए, राम मेरे पैर तोड़ दिए, हरे राम मेरे पैर तोड़ दिए। अरे भाभी कितने दिनों के बाद मिली? क्या हो गया है इन सबको? सगाई मेरी हो रही है और राम दुहाई ये दे रही है। माँ इस खुशी में मैं जमुना जी की पूजा कराऊं? हाँ बेटी जाओ, भगवान तुम्हारी और अनय की जोड़ी खुश रखे। कोई छलिया हो किंतु तुम मुझे छल नहीं सकते। तुम जो भी हो
अपने असली रूप में प्रकट हो जाओ। कृष्ण तू बड़े बहरूपी हो, तुम भी तो कृष्ण मन के कंठ के दरार में गई थी। राधा तुम्हें अपने जीवन की चिंता नहीं? मेरा तो जीवन ही तुम्हारा है, लेकिन तुमने रूप धारण क्यों किया? तुम्हारी लाज रखने के लिए, तुम्हारे माता पिता का मान रखने के लिए। मेरे उस रूप से तुम्हारी सगाई अन्य के साथ हो चुकी है। अन्य के साथ? नहीं नहीं, मेरा तो तुम ही सब कुछ हो। राधा सारे समाज के सामने अन्य के साथ तुम्हारा संबंध हुआ है, अब क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे माता पिता दुनिया के सामने झूठे पड़ जाए, तुम्हारे कृष्ण के माथे पे कलंक लग जाए? नहीं कृष्ण, नहीं। तो फिर सत्य को स्वीकार करो राधा, विधि का यही विधान है। ये कैसे विधि का विधान है गोपाल, कैसे विधि का विधान है? कैसे लगते हो शाम? सुंदरता की प्रतिमा, कर्तव्य का सिंगार ही ऐसा है। तुम्हारे बिना मेरा जीवन कैसे बीतेगा शाम? राधा विरह को भक्ति में बदल डालो, फिर दुख नहीं आनंद मिलेगा। मेरा आनंद तो तुम्हारे मुरली के स्वर है गोपाल। तो ये मुरली अपने पास रख लो राधा। लेकिन तुम्हारे बिना मुझे मुरली कौन सुनाएगा? जब भक्ति योग में पूरी तरह खो जाओगे तो इसके स्वर स्वयं तुम्हारी आत्मा में गूंज उठेंगे। राधे अब तुम जाओ राधा। अंकल यहां तो खड़े होंगे, चलो यहां से। जानते नहीं हो आज हमारी सालगिरह है, चलो।
तुझे यहाँ ले आई, तुम मुझसे रुके तो नहीं? वहां तो कृष्ण के होते थे, आज मेरे होते से रुके। राधा, मेरे ही घर में मेरे शत्रु की मुरली से प्रेम? शत्रु के नहीं, ये तो मेरे गोपाल की है। गोपाल, गोपाल, ला मुझे दे। नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, अब तो यही मेरे जीने का सहारा है, मैं इसे नहीं दूंगी। कैसे नहीं देगी? नहीं, इसे मुझसे मत लीजिए, मुझ पे दया कीजिए। दया की बच्ची, छोड़ दे, छोड़ दे। Oh,
कहता हूँ उठा। राधा मुरली अने तुम पागल तो नहीं हो गए? कहाँ है मुरली? ये क्या दशा बना रखी है तुमने? दशा नहीं महाराज, दुर्दशा कही है। सुहागरात की मेरी फूलों भरी सेज कांटों की सेज बन गई। कन्हैया की मुरली के चक्कर में रात भर भटकता रहा, मगर वो हाथ नहीं लगी महाराज, हाथ नहीं लगी। अनेक प्रयत्न करने पर भी कृष्ण हमारे हाथ नहीं लगा, पता नहीं उसका अंत कब और कैसे होगा। अंत? महाराज कृष्ण आप ही का शत्रु नहीं, मेरा भी शत्रु है। मैं छल से बल से जैसे भी होगा उसको मिट्टी में मिलाकर ही रहूंगा। अवश्य मिला देना ने? समय आने पर मायावी शंखचूड़ भी तुम्हारी सहायता को पहुंच जाएगा। जय हो महाराज। राधा मुरली कहाँ है? मुरली? मुरली गई मुरली वाले के पास। नाथा मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, तुम्हारा गोपाल सच देवता समान है। सच? हाँ राधा, मैंने निश्चय किया है कि आने वाली गोकुलाष्टमी के दिन तुम मैं और गोपाल मिलकर गौ माता की पूजा करेंगे। ये तो बड़े आनंद की बात है। आनंद तभी पूर्ण होगा जब तुम गोपाल को यहाँ आने का निमंत्रण दोगी। मैं अवश्य दूंगी, तुम तो निमंत्रण देने जाओ। जाओ। निमंत्रण अरे कन्हैया तू तू गौ सेवा कर रहा है? हाँ, क्या मैं गौ सेवा नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तू तो गिरधर गोपाल है, नंदलाल है, अरे ये काम तो मेरा है गोपाल। तेरा नहीं है, मेरा है। क्या कहा? तेरा है? हाँ मेरा है। तो फिर जा, मैं तुझसे नहीं बोलता और नहीं बोलता। छूट गया मन सुखा? हाँ। अरे अब ये गुस्सा छोड़ भी दे, तू ही तो मेरा प्यारा सखा है, बोल इसलिए आया है। बता दू कि नहीं है? हाँ बता दे। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। क्या हुआ, मुंह क्यों फुलाए बैठे? मैं फूल नहीं रहा हूँ काकी, मैं तो सूख रहा हूँ। अब तुम ही बताओ काकी, गौवे चराना, घास खिलाना, पानी पिलाना, गोबर उठाना, ये सब किसका काम है, मेरा या इसका? काकी आज तुम्हें न्याय करना ही होगा। हो गया? हाँ। ये सब काम तेरा ही है। अरे जुग जुग जियो काकी, जुग जुग जियो। अरे तो खे नहीं यहाँ खोलूंगा। सुनो काकी। मैं बताओ। बता बता बताओ। हाँ? राधा आने वाली है। अरे डूब गई नहीं है काकी, ये तो बड़ा जोशी है, महाजोशी है। जो बात मैं सोचता हूँ ये पहले से बता देता है। सुखी रहो बेटी, सुखी रहो बेटी, सुखी रहो। आज इतने दिनों बाद तुम्हारे यहाँ आने से ये घर आंगन सब जगमगा उठा है। हाँ श्याम, मैं तुम्हें निमंत्रण देने आई हूँ। गोपाल अष्टमी के दिन हम सब मिलकर गौ माता की पूजा करेंगे, उनकी भी यही इच्छा है।
बुलाओगी ना? अवश्य आऊंगा राधा, तुम्हारी श्रद्धा और अनेक अनोखा निमंत्रण मुझे स्वीकार है मेरे श्याम। जय गो माता की। कन्हैया, इतनी गौ माता की पूजा क्यों की जाती है? इसलिए क्योंकि इनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इनकी पूजा करने से हमें सभी देवी देवताओं का सेवा का फल मिलता है। जय गौ माता की, जय गौ माता की। नहीं, जय माता की, जय हो। जय माता की, जय माता की। आज तुम्हें गौ सेवा से मृत्यु का फल मिलेगा। अब मैं समझी कि कृष्ण को ये निमंत्रण क्यों दिया था, लेकिन मेरे जीते जी अनर्थ नहीं होगा। ये अनर्थ होगा, होगा। राधा, राधा के कृष्ण। तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें विश्वास है कि तुम कृष्ण की मृत्यु का समाचार लाए होगे। तुम चुप क्यों हो? बोलो ने, कह दो कि कृष्ण यमलोक पहुंच गया। महाराज, कृष्ण नहीं, संचूर यमलोक पहुंच गया। नारायण नारायण। देखो, जिसने जाना था वो तो चला गया, नहीं तो कहां कृष्ण और कहां कंसराज और कहां आपके वीर दानव। देव ऋषि, आपने सदा दानों की सहायता की है, आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कृष्ण। मैं समझ गया कृष्ण, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मृत्यु का नाटक आरंभ हो गया। देखिए महाराज, आप चांडू और मुष्टक के साथ मिलकर कुछ अपना रंग दिखलाइए। रंग? हम समझे नहीं देवराज। लो जी, मैं किस लिए हूं, मैं सबको समझाता हूँ। देखिए, जो काम राधा से नहीं हो सका वो अक्रूर जी कर दिखलाएंगे। अक्रूर जी ठहरे संत महात्मा, उन्हें आप कृष्ण के पास भेज दीजिए। कृष्ण उनकी बात कभी टालेंगे नहीं। उन्हें बुलाइए यहाँ, गोकुल से यहाँ बुलाइए कन्हैया को, और फिर कृष्ण और कंस, फिर देखना है किसका होता है वधवंश। समझ गए? नारायण नारायण नारायण, सीधी बात है। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस पृथ्वी पर कृष्ण रूप में अवतार लेकर धरती का भार दूर करने के लिए आए हैं, किंतु मुझे कब दर्शन दोगे प्रभु? दर्शन? महाराज, आप अक्रूर, हमारे मना करने पर भी तुमने हमारे शत्रु की पूजा नहीं छोड़ी। क्षमा कीजिए महाराज, मैं अपने प्रभु की पूजा कैसे छोड़ सकता हूँ? आप भी शत्रु भाव छोड़कर इनसे प्रेम कीजिए। प्रेम?
हम इस पत्थर के विष्णु के टुकड़े टुकड़े करके अपना प्रेम दिखाते हैं। नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ न कीजिए। चाहो तो मेरे प्राण ले लीजिए, परंतु मेरे प्रभु को मुझसे दूर मत कीजिए। तो जो हम चाहते हैं अपने इस पत्थर के भगवान को साक्षी मानकर उसे पूरा करने का वचन दो। बोलो अक्रूर, वचन देते हो या इस मूर्ति को? मैं वचन देता हूँ, अपने प्रभु को साक्षी रखकर वचन देता हूँ। क्या क्या है? तो जाओ, मथुरा में होने वाले धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए कृष्ण को गोकुल से ले आओ। तुम जैसे महात्मा की बात मानकर वो अवश्य आएगा। ऐसा वचन मांग लिया महाराज, यही हमारी नीति है। जाओ अक्रूर, अपने वचन का पालन करो और याद रखो, यदि हमारे साथ विश्वासघात किया तो परिणाम भयानक होगा। प्रभु, अब मेरी लाज आप ही के हाथ में। अक्रूर जी, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। कहाँ खो गए अक्रूर जी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये आप क्या कर रहे हैं? आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। प्रभु, रास्ते के कंकर को आप मोती न बनाए। मैं पापी हूं। आपको मथुरा ले जाने के लिए मैंने कंसराज को वचन दिया है। आपका वचन मेरा वचन है। आइए विराजी। प्रभु धन्य हो प्रभु। मैं आपके साथ मथुरा अवश्य चलूंगी। कारागार में पड़े हुए दुखी ऋषि मुनि मुझे पुकार रहे हैं। मैं बेटा नहीं, अपनी ममता का बंधन तोड़कर एक वीर माँ की तरह मुझे हंसते हंसते विदा करो। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं। पिताजी आशीर्वाद दीजिए। जमुना मैया सदा तुम्हारी रक्षा करे। मैं अपने लाल को आपके हाथ सौंपती हूँ, इसका ध्यान रखिए, इसे संभाल कर ले जाइए। देवी, जो स्वयं सारे संसार को संभालते हैं, उन्हें ये पामर क्या संभालेगा? सारी चिंता छोड़कर इनके इस महामंत्र का जप कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बेटा चलिए प्रभु। मां ये
कुछ सुना तुमने? तुम्हारा गोपाल यमपुरी जा रहा है, महाराज यमदेव उसे बुलवाया है। मैं समझी नहीं। नहीं समझी? महाराज कंसराज साक्षात यमदेव है और मथुरा उनकी यमपुरी। यमपुरी पहुँच कर कोई वापस नहीं आया और तुम्हारा गोपाल भी नहीं आया। कहाँ चली? गोपाल के पास। मुझे जाने दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। नहीं Yeah.
दर्शन तो हो गए थे, उनकी प्रेम की प्रतिमा राधा के भी दर्शन हो गए, मैं कृतार्थ हो गया प्रभु। मेरे दर्शन में क्या रखा है प्रभु जी? मैं तो वो अखाकर नारी हूँ जो चाहते हुए भी कृष्ण के चरणों की धूल न बन सके। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, धूल नहीं देवी, आप तो चंदन बन चुकी हैं, आप प्रेम की उस ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं जहाँ प्रभु सूर्य नारायण भी नहीं पहुंच सकते। आज आपके दर्शन करके मैंने क्या नहीं पाया, वेद पुराण सारे तत्व ज्ञान आपके प्रेम के सामने तुच्छ है। देवी मैं सचमुच आज कृतार्थ हो गया। अक्रूर जी, आप सब कुछ पाकर मेरा तो सब कुछ ले जा रहे हो। गोपाल गोपाल, आज तक मैंने तुम्हारी हर बात सुनी लेकिन अब नहीं सुनूंगी। तुम मथुरा नहीं यमदेव के यमपुरी में जा रहे हो, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। ऐसा ना कहो राधा, मुझे अत्याचार के भयानक अंधेरे को दूर करना ही हो पड़ेगा। धर्म पे चलने वाले हजारों ऋषि मुनि मुझे अपने करुण स्वरों से पुकार रहे हैं। अब बोलो राधा, क्या तुम ये चाहती हो कि निर्दोष प्राणी सदा के लिए काल के मुंह में चले जाए, अधर्मी कंस के द्वारा धर्म की नाव सदा के लिए डूब जाए? कृष्ण नहीं, अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए प्रभु को विदा करो। नहीं बच पाओगे, सैन को फेर लो इसे। जानवर होश में, बड़े बंदे
सारे ब्रह्मांड का भार उठाने वाले को दो मामूली मच्छर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान भी कुछ कम नहीं है, भगवान भी इतने बड़े बंदे हैं। वाह, दिया ऐसा झटका के ओर ना ठोर और दोनों पापी चले गए गगन की ओर। सेनापति, हमारा ये काल बाण तुझे काल के मुंह में पहुंचा के रहेगा। हम तुझे धूल में मिला देंगे। अरे कंस महाराज, ये मथुरा नरेश कहाँ भागे चले जा रहे हो भाई? ओ सुनो तो सही। मारे कृष्ण भाग गया, चला था हमें मारने। हमें कोई नहीं मार सकता, हमने आकाशवाणी झूठी कर दी। हम अमर हैं, हम अमर हैं। तू कंस कृष्ण के डर से यहाँ भाग गया? कहाँ गया तेरा बल, कहाँ गई तेरी शक्ति? वीर नहीं, कायर, कायर। हम कायर नहीं, वीर शक्तिशाली है। मैं यहाँ भी आ गया हूँ कंस, तुम दादा तुम्हें पाठ पाठ। मैं बालक जानकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा। कंस डर गए, खाओ बजा। पापी,
आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होती। देख, नहीं देवकी का आठवां पुत्र कृष्ण। कंस मारा गया, कंस मारा गया। हमारे राजा कृष्ण ने कंस को मार दिया। कंस मारा गया, कंस मारा गया, कंस मारा गया। मन चुका, कंस नहीं मारा गया, मेरे मन का पाप मर गया। मुझे कन्हैया से मिला दो, मैं अपने पापों की क्षमा मांग लूंगा। लेकिन कन्हैया तो इस समय मथुरा में है। मन चुका, तुम चाहो तो कन्हैया को बुलवा सकते हो, वह तुम्हारे पास में है। मेरे बस में नहीं, राधा जी के बस में है। राधा से कन्हैया है और कन्हैया से राधा है। राधे, कन्हैया को बुलाओ, बुलाओ राधे, बुलाओ। हे कृष्ण, यदि मेरा प्रेम पवित्र है तो दर्शन दो, दर्शन दो। गोपाल, कन्हैया, गोपाल, कन्हैया, मेरे कन्हैया, गोपाल, गोपाल, कन्हैया, मुझे क्षमा कर दो, मैं पापी आपको बचा ना सका। अने, तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर दिया। राधे, मुझे तुम्हारे कारण यहाँ आना पड़ा, किंतु हमें अपना कर्म नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारा कर्म है पति सेवा और मेरा कर्म है जगत सेवा। नारायण नारायण, धन्य हो कर्म, धन्य हो प्रेम, संसार में सूर्य के प्रकाश के राधा कृष्ण का प्रेम सदा अमर रहेगा और धरती का कण कण घूम कर सदा गाता रहेगा। जय राधे कृष्ण, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे। मानव को मानवता का उजियारा, नगर हर गांव, गंगा जैसा पावन है वो राधे कृष्ण का नाम।